हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज कुशाली कच्ची। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैट्स का चैप्टर नंबर 2, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये चैप्टर क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेटा जो है वो हो सकता है, जैसे चैप्टर नंबर 1 में देखिए बहुत रॉ डेटा रहते हैं, ठीक है, काफ़ी बार इन्विजिलेटर सब कुछ कलेक्ट करके आता है, ठीक है, आप कहीं से सेकेंडरी डेटा उठा रहे हैं, तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि आप बाइफोकेट कैसे करोगे। तो चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 पूरा उस पर ही बेस्ड है। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हम लोग प्रॉपरली करने वाले हैं, हम टेक्स्ट बुक ही इसको फॉलो करने वाले हैं। 2.1, 2.2, 2.3 उतना मैं आपको करवाने वाली हूँ, बाद में एक्सरसाइज 2 जो है वो इसका पूरा कॉम्प्राइज ही है। पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें हर सम अलग अलग है, और वैसे ही एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3। तो हो सके उतनी बार ये लेक्चर्स देखने की कोशिश करना जहाँ पर आपके वो डाउट लगता है वहाँ पर, क्योंकि हर सम में कुछ ना कुछ अलग चीज़ है, ठीक है, और आपके पास ये फैसिलिटी है जहाँ पे आप आगे पीछे कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक की चीज़। अब देखते हैं, अगर आपको पर्सनली हमारे पास पढ़ने आना है तो अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेज है, सैटेलाइट और साउथ भोपाल। आप वहाँ पर भी आ सकते हो, ऑफलाइन बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, और ये सारी नोट्स आपको UKIConline.com पे अवेलेबल है, और कौतिलिया बैच में भी सून अपलोड हो जाएगी। जाते हैं सबसे पहली चीज़, यहाँ पे क्लास लेंथ मैंने क्या किया है, हर सम के पहले फॉर्मूलाज डाली, हाँ पर उस सम में ही रिलेटेड होगी, ऐसी नहीं, वो सम में ये फॉर्मूलाज आने वाली है और आगे के सम्स में भी आएगी, पर ये मैंने अभी मेंशन कर दिया है। तो आप हो सके तो आपकी नोटबुक में या कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम लोग अप्लाई करेंगे तब मैं हर वक्त ये फॉर्मूलाज नहीं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये 2 फॉर्मूला है क्लास लेंथ की। क्लास लेंथ अगर आपको एक ईजी वे है जहाँ पर आप अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री करें, तो ये अपर और लोअर है, 10 माइनस 0 करो तो 10 तो क्लास लेंथ मिल जाती है, ये इजी वे। पर कोई थोड़ा ट्विस्टेड सम्स है उसमें आपको क्लास लेंथ नहीं लिखी जाती, उसमें क्या है आपको रेंज दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस दिया जाएगा, और उसमें से आपको क्लास लेंथ फिगर आउट करनी रहेगी, हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर बोला गया है कि डेटा दिया गया है कितने फैमिलीज में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो टोटल फैमिलीज कितनी है, 50 फैमिली में उसमें कितने बच्चे हैं वो हमें फिगर आउट करना है, और टोटल हमारा क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो वो हम लोगों को एक आइडिया, एन हमारा 50 है, वो आइडिया आ गया है, और इस हिसाब से पूरा डेटा दिया गया। अब सबसे पहले जब ऐसा कुछ रॉ डेटा है, कुछ ऐसा कुछ दिया गया है, द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन 50 फैमिलीज रिजाइडिंग इन सर्टेन एरिया आर गिवन बिलो, उसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करो। देखो ये पहला सम इनिशियल स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मेरे सामने जो डेटा दिया गया है उसमें मैं एक दो चीज़ मार्क कर रही हूँ कि पहला 50 एन है, दूसरी चीज़ टोटल डेटा देखा तो किसी के घर पे कोई बच्चे नहीं है, किसी के घर पे एक है, किसी के घर पे दो है, किसी के घर पे तीन, चार वाला नहीं, तो ये 0, 1, 2, 3 पे ही पूरा घूम रहा है पूरा डेटा। मैंने पहले देखा ये है, चलो 0, 1, 2, 3 पे, इसमें से मुझे एक रेंज मिल जाएगी कि भाई टोटल रेंज क्या है। रेंज की एक फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है ये पूरे डेटा में, 3, माइनस 0 करो तो मेरा क्या बन जाता है, 3। मेरी रेंज कितने में ट्रैवल करेगी, 3 में ही, मतलब इतना ही मेरा रेंज है, 3 का ही। तब मैं क्या करूँगी, अब सबसे पहले मैं देखूंगी 0 क्या है, तो ये डिस्क्रीट डेटा बन जाएगा, इसमें कोई मेरा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, डिस्क्रीट डेटा 0, 1, 2, 3 इतने ही मेरे को बनाने हैं, तो मेरा 0, 1, 2, 3 ऐसा ही कॉलम बनेगा, ठीक है। तो 0 वाले कितने ऐसे कौन सी फैमिलीज है जहाँ पे कितने, जहाँ पे बच्चे नहीं हैं, तो इतने नहीं है, इतने फैमिलीज में नहीं है, तो टोटल हुए 6। तो ये देखो टेलीमार्क 6 का लगाया और 6 डाल दिया मैंने, 0, 1, 2, 3, ठीक है, मैंने वहाँ पे ये डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने टेलीमार्क समझाया है, 5-5 के टेलीमार्क कुछ ऐसे दिखते हैं, और बाद में अगर डेटा है 12 तो 5 + 5 = 10, और 2 आपको एक ऐसे सिंगल करके ये 12 बन जाता है। अब आपको यहाँ से ये डेटा दिया गया है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, अच्छे से 0 का मैंने दे दिया है, 1, 2, 3 को आपको इसमें से टिक करके अंडरलाइन करके करना है, और इसका जो टोटल होगा वो 50 है, उसके ऊपर नहीं जाए 50 में। काफ़ी बच्चे इसमें ही गलती करते हैं, इसमें ही उसको 3 काउंट करने में, 1 कम काउंट कर लेंगे, 2 ज़्यादा काउंट कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इसको काउंट करना है। और मैं सॉल्यूशन इसके बाद ही डाल दूंगी, पर आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए जिससे आपको आइडिया है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन बनता है इस हिसाब से टेलीमार्क से। मूविंग फॉरवर्ड, पहला सम हो गया, थोड़ा इजी लगा, अब जाते हैं थोड़े एक स्टेप ऊपर पे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है, वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को DMs आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर
अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है, पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप UKIC ऑनलाइन पे जाके या तो फिर UKIC ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज का, जिसके अंदर हम लोग दो चीजें आपको देते हैं। एक आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेनसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं, एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए, आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवा रहा हूँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी कि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेनसडे को, फ्राइडे को, किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट शीट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज है वो पूरे साल चलने वाली है, तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू टाटा, कंटिन्यू विद योर लेक्चर। दूसरे सब में बोला गया है कि यहाँ पे एजेस ऑफ 60s एम्प्लॉय यहाँ पे दी गई है, इन एन ऑफिस इज रजिस्टर्ड एज फॉलो, इन फुल ईयर 60 एम्प्लॉयज है, उसकी एजेस दी गई है। प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास लेन, मतलब ये क्लास वाला कुछ है, पहले वाला जो था वो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब 1, 2, 3 ऐसे लिखे, क्लास मतलब 0 to 10 इसे क्लास बोला जाता है, जिसमें क्लास लेंथ 5 ही होनी चाहिए, मतलब 0 to 5 जैसा 5 ही होनी चाहिए फ्रॉम दिस बिलो इन्फॉर्मेशन। ओके, अब ये दिया गया, सबसे पहला मैं काम क्या करूँगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढूंगी, रेंज ढूंढना पड़ेगा। मैंने रेंज ढूंढ लिया, 58 और 21 का होगा, क्लास लेंथ 5 है, तो सबसे पहले देखो ये रेंज क्या होगी, मेरी रेंज 58 माइनस 21 मेरी बनती है 36, मेरी रेंज कुछ ऑलमोस्ट 36 जितनी बनी, 37 जैसे बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये सेम चीज़ 37 डिवाइड बाय करेंगे और समथिंग कुछ आएगा, पर हमारी कुछ क्लास लेंथ जो है, नंबर ऑफ क्लासेस मेरे 8 बनेंगे। अब आप बोलेंगे मैम नंबर ऑफ क्लासेस कैसे बने, तो नंबर ऑफ क्लासेस अगर आप देखेंगे, ये फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले ही डाल दी थी, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ऐसा था। हो सके तो आप पीछे जाके वापस से देखो। अब मेरे को क्लास लेंथ मेरे पास पता है, मुझे मेरी क्लास लेंथ 5 है, मेरे पास रेंज जो है वो 37 है, इतना मेरे पास बेसिक नॉलेज है। तो मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ क्लासेस फिगर आउट करने के लिए नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ से यहाँ पे ले गई, और ये यहाँ से यहाँ पे हो गया, ठीक है, चेंज कर दिया बेसिक मैथ्स का रूल, और उस हिसाब से मुझे नंबर ऑफ क्लासेस मिले 8, मतलब मेरी 8 क्लासेस बनेंगे, वो क्लास मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, जैसे 8 क्लासेस बनेंगे मेरे, पर उसका गैप कितना होगा 5, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 वैसा वाला। पर अब डेटा मेरे पास जिस हिसाब से है, तो 0 to 5 की तो जरूर है, मिनिमम वैल्यू है मेरे पास 21 है, तो अब मैं जो है वो कुछ ऐसा कुछ बनाऊंगी 20 to 25, 25 to 30, क्योंकि मेरा जो रेंज है मिनिमम वैल्यू 20 से स्टार्ट हो रहा है, 21 से, तो मैं कुछ इस हिसाब से 20, 25, 25 to 30, 30 to 35, पर 8 तक ही मैं गिन के ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे को क्लास लेंथ भी पता चल गया, नंबर ऑफ क्लासेस भी पता चल गया, तो एकदम हो गया। अब 20 to 25 में कितने नंबर है, तो क्या 3 नंबर है मेरे पास 20 to 25 में, तो मैं टैली मार्क डाल दूंगी 3 और 3 हो गए मेरे पास, ठीक है। अब इसके बाद आपको फिगर आउट करना है 25 to 30 में, आपको डेटा देखना है और मैं सॉल्यूशन दिखा दे रही हूँ, तो आपके लिए वो ईजी रहेगा, पर हो सके तो आप अपने हिसाब से, मैं हर सम में हो सकेगा तो मैं बोलूँगी,
जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, आप करेंगे साथ साथ में तो और अच्छा। 60 एम्प्लॉयज है मेरा, टोटल 60 होना चाहिए, और ये हो गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर टू। थोड़ा एक ऊपर गया, अब जाते हैं तीसरे में। अब फॉर्मूलाज जो है वो यूज़, मैंने जैसे मैंने बोला कि मैं भली एक सब मैं बताऊंगी फॉर्मूलाज, पर फॉर्मूलाज यूज़ अब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करने हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, वन लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसे होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेटी को भी ये मेन फोर सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन फोर सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट। यहाँ पे ऐसे जो क्लास होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासेस, याद रखना है। इसे क्या बोला जाता है? इंक्लूसिव क्लासेस, मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, और इसको मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। और नॉर्मली अगर आपके पास कोई भी सम ऐसा है जहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट दिया गया है या तो कुछ ऐसा कुछ डिटेल दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पर आपको मैं समझा दूँ इजी वे में, इन दोनों के बीच में गैप 1 है, डिवाइड बाय 2 करो 0.5। तो लोअर बाउंड्री में, और लोअर बाउंड्री में -0.5 होता है, अपर बाउंड्री में 0.5 प्लस होता है। अब ये बोलोगे मैम ये क्या बोल रहे हो, पता नहीं चल रहा है। अब मैं समझा रही हूँ, ये फॉर्मूला को अगर डालते हैं, ये वाला क्लास हम लोग देते हैं जिसमें अपर बाउंड्री पॉइंट मतलब 19 हुआ, 19 मतलब अपर लिमिट ऑफ द गिवन क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, 19 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 19.5। ठीक है, तो मैं प्लस 0.5 कर दूँ तो भी मुझे 19.5 मिल जाएगा, और माइनस 0.5 करूँ तो मुझे 10 में से माइनस 0.5 करूँ तो 9.5 आएगा। सेम अगर ये फॉर्मूला में मैं अप्लाई कर रही हूँ तो, ठीक है, ये बेसिक एक नॉलेज दे रही हूँ। अब जाते हम लोग आगे। यहाँ पे बोला गया है कि द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लास्ट 60 डेज, 60 डेज में कितने मोबाइल प्रोड्यूस हुए हैं, उसको 10 क्लास में करने, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस इज गिवन हियर। लास्ट सब में नंबर ऑफ क्लासेस नहीं था, नंबर ऑफ क्लासेस 10 दिए गए हैं। लेस देन मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें से फिगर आउट करना है। ये एक नया, एक वापस से एक ट्विस्ट आया, तब तक तो ठीक है, चलो अपन कर भी ले। यहाँ पे बोला है 10 क्लास मतलब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बनानी है, और साथ में लेस देन और मोर देन, तो एक और एक एड ऑन हुआ, चलो बनाते हैं। अब पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, तो एक 1075 और मिनिमम वैल्यू है 103। ओके, चलो अब इसमें से एक रेंज मिल जाएगा मुझे, ये वाला तो क्लियर है, एक रेंज मिले, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। क्लास लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस है मेरे पास 10। क्लास लेंथ की फॉर्मूला मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले डाली थी वही चीज़, तो मुझे मेरी क्लास लेंथ भी मिल गई ऑलमोस्ट 97.3, मतलब 100 जितनी मैं क्लास लेंथ लूँगी।
मिनिमम वैल्यू ही मेरी 103 है, तो मैं क्लास लेन कुछ लूंगी 100 से लेकर 199, जितना टोटल 100 जितने इसमें आ जाएंगे। तो 100 से लेकर 199 अगर मैं ये देख रही हूँ, तो इन दोनों के बीच में खाली दो ही डेटा आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे सेट भी कर दिया 100 से लेकर 199, दो आए, दो डे टेलीमार्क। और देखो ये नंबर ऑफ क्लासेस अगर गिनने जाओगे तो 10 होंगे टोटल, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया था कि 10 क्लासेस में ही आपको डालना है, तो 10 हो गए, चलो बराबर है। और अभी इसी हिसाब से आपको हर चीज़ को इसमें बाइफरकेट करना है, मैं आपको आंसर दे दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ को यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं होता पहले की तरह। अब आपको लेस देन और मोर देन करना है कि ज़्यादा और कम कैसे, किस हिसाब से। लेस देन जनरली जो है इसको सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है। देखो 199 और 200 से नॉर्मली डेटा क्या 0 to 10, 10 to 20 वैसा वाला होता है, जो मैंने ये सम करने से पहले ही समझा दिया था। तब इसको कन्वर्ट कर देंगे, लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या बन जाएगी 99.5 माइनस 0.5 करेंगे 199.5, 299.5, 400, 399 मतलब -0.5 मैं कर दूंगी ये सारे डेटा में से, और ये डेटा अपर बाउंड है उसमें से +0.5 कर दूंगी। अब सबसे पहले ये देखो, ठीक है, इस हिसाब से कन्वर्ट अपर और लोअर लिमिट 1/2 0.5, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं क्या है 100 से लेके, सबसे पहले समझते हैं। अब क्या देखा गया है, मेरे पास ये वाला कॉलम आ गया 99.5, 199, लेस देन वाला है। लेस देन मतलब ये वाली फिगर होती है उसकी, इसकी सिंबल ये होती है लेस देन की। तो 99.5 से लेस देन कोई भी चीज़ है, 99.5 से कम, तो बोला नहीं भाई उतने तो नंबर ऑफ फोन्स नहीं है, तो मैंने डाल दिया जीरो। क्या 199.5 से कम है? हाँ है। कितने हैं? तो बोले दो, तो यहाँ पे मेंशन हो गया है दो। 299.5 से कम कितने हैं? तो 299.5 से क्या होगा 2 + 4, 6। 399.5 से कितना होगा? तो क्या ये से लेके इसका टोटल 15, इसे लेस देन बोला। इससे कम कितना है? तो आपको इतना काउंट, कैलकुलेटर है आपके पास, बहुत इजी है, कोई लॉजिक पता होना चाहिए। मोर देन में लॉजिक थोड़ा अलग हो जाता है, मोर देन में आपको लॉजिक थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेम आपका ये लोअर बाउंड्री पॉइंट लिखी गई है, मोर देन 100 कितना होगा या मोर देन 199.5 कितना है, तो टोटल आपको कर देना है 60। मोर देन 100 कितने हैं 60, मोर देन 199.5 कितने हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ से इतना ही डेटा आपको लेना है। पर इतना डेटा करने जाओगे तो उससे बेटर है क्या करो, 160 - 2 कर दो, तो मोर देन 199.5 कितने हैं 58। मोर देन 299.5 कितने हैं, तो इतने से ये जो है इनको दोनों को माइनस करो, 60 - 2 - 4 आंसर विल बी 54। कैलकुलेटर है और सिंपल से, इससे ज़्यादा कितने हैं तो टोटल आपको है, इससे ज़्यादा कितने हैं तो कितने हैं, इससे ज़्यादा कितने हैं, ओके, इससे ज़्यादा कितने हैं, ये मोर देन वाला ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है मोर देन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा लेक्चर नंबर 1, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय।